हमको क्या समझ में आया बहुत मैंने बोला आसपास में बिल्कुल नहीं रहना है।
अनुष्का प्रजापति कौन है? अच्छा कुछ नहीं बोलना अभी, ओके कोई बात नहीं, आपको बात कर रहे थे। कृति धनकर वहीं पे बैठे बाद में भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी आपने जो लिखा है वो बता दीजिए बाद में। पहले कौन बोल रहा था? अपना नाम भी बता दीजिए। प्राची प्रजापति। मैंने तीन चार दिनों में इसी का सुविधाएं संबंध प्रयास लक्ष्य और व्यवस्था सम्मान योग्यता समृद्धि अपमान दुख सुख सही समझ माने नहीं जाते व्यवहार विश्वास परिवार समाज स्नेहा। इसमें से आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी? सुविधा। सुविधा के बारे में क्या आपको ध्यान आया? सुविधा के बारे में मतलब सुविधा क्या चीज होती है? सुविधा जिसमें कुछ लाते हैं, बेंच। हाँ, वो उदाहरण है सुविधा का। मोबाइल ये उदाहरण है सुविधा का। बहुत अच्छा, इसमें क्या ध्यान आया है ना? जैसे सुविधा का क्या उपयोग है, क्या उपयोगिता है सुविधा की? इससे सुखी हो सकते हैं या सिर्फ शरीर के लिए कुछ कर सकते हैं? सुखी नहीं हो सकते। सुखी हो सकते हैं सुविधा से? सुखी हो सकते हैं निरंतर नहीं हो सकते। बहुत अच्छा, सुखी हो सकते हैं लेकिन निरंतर नहीं हो सकते, निरंतर सुखी नहीं हो सकते। ओके, और सिर्फ सुविधा से सुखी हो सकते हैं या सुविधा के सदुपयोग से ही सुखी हो सकते हैं? सुविधा के दुरुपयोग से सुखी हो सकते हैं क्या? पक्का? बहुत अच्छा, प्राचीन प्रजापति। यस सर, बहुत अच्छा। और किसको? अरे आप देख लो, और कौन बोल रहा था? और कौन से आ रहे? अच्छा, अगर सब लोग शांत हो जाएंगे तो सुन भी पाएंगे। हमने तीन चार नाम बताए। अंजलि मोदिया। मैंने ही तीन चार दिनों में ये सब सीखा, लक्ष्य माने नहीं जाते, सही समझ संबंध सुविधा कल्पनाशीलता भेद सम्मान योग्यता सुख के स्रोत। और मुझे सबसे अच्छा लगा लक्ष्य, क्योंकि हमें अभी तक लगता था कि मुझे ये पहले लगता था कि हमारा लक्ष्य है कि हम डॉक्टर बनेंगे, पुलिस बनेंगे, हमें ये नहीं पता था कि हमारा लक्ष्य है सुखी होना, समृद्ध होना। और अभी जब आप लोगों ने हमें पढ़ाया तो हमें ये पता चला कि लक्ष्य सुख और समृद्धि होती है, और ये सब पहुँचने के रास्ते होते हैं, लक्ष्य तक पहुँचने के रास्ते होते हैं। और मुझे सबसे अच्छा लक्ष्य लगा इसलिए।
जो बताया गया उसको मान लिया या really अंदर से जाता है उसको? अंदर से मैंने अच्छे से जाता फेरी अच्छा यस सर ओके बहुत अच्छा और सर मैं थोड़ा लिख लूँ ये आपको अभी बुला रहे नहीं रहे तो आपने कैसे जाना चीजों को? मैंने अपने मम्मी पापा से भी चर्चा की तो और मम्मी पापा ने भी यही बोला कि हाँ हमें पहले यही लगता है कि कुछ बनना है हमें बड़े होके अरे हमारा लक्ष्य है आपने बताया तो हमें पता चला कि ये लक्ष्य नहीं है ये रास्ता है ऐसे ही पता चला अरे पक्का हो गया यस सर बहुत अच्छा जो संबंध में चर्चा हुई है उसके बारे में कुछ आपके पॉइंट्स हैं यस सर हम ज्यादा समय सुविधा प्रकार के संबंध की बहुत कड़ी लगा रहे हैं और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो संबंध पे ज्यादा ध्यान देते हैं और सुविधा पे मतलब मेरे ख्याल के बारे में नहीं अपने बारे में बताइए हाँ मैं ख्याल देती हूँ ये अच्छा आप लोग जो है आप लोग चार सुबह आप लोग सुन रहे हैं क्या बोल रही है हम ये बोल रहे थे कि जो संबंध पे चर्चा की गई है उसमें से आपको क्या ध्यान आया मुझे संबंध में ये अच्छी बात लगी क्योंकि हम अगर और सही समझ जो है वो क्या चीज है
सही समय से हम सब संबंध को भी जान सकते अच्छे से और सुविधा को भी अच्छे से जान सकते। और संबंध का क्या फैलाव है, हमारे जिले का क्या फैलाव है, कहाँ कहाँ पे जीते हैं, ठीक है आप देख के बता देना बाद में। व्यक्ति ये याद करने की जरूरत है, अगर आपको ध्यान क्योंकि जो भी आप करते हो वो आपको तो आपको कुछ होता है उससे, लेकिन आपके माता पिता और लोगों को भी कुछ इफेक्ट होता है उसका, समाज में भी कुछ इफेक्ट होता है ना, और प्रकृति के ऊपर भी बहुत सारा इफेक्ट होता है। तो हमारा जीना जो है इतनी सारी चीजों के साथ साथ में जीते हैं, सबके साथ में एक साथ, बहुत अच्छा। और कौन बोलना चाहता है? जो भी बोलना चाहते हैं वो पहले ओके ठीक है, फिर हम लोग हम बुलाते हैं फिर रेणुका ठीक है। सना आई ओके, सना की बात सुन लेते हैं। हम लोग इनकी बात सुन लेते हैं उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। आपको इसमें से सबसे अच्छा क्या लगा? माने नहीं जाते। आप लोग एक मिनट, आप लोग को हम लोग को बार बार ध्यान दिलाता अच्छा लगता है क्या? हमको भी नहीं अच्छा लगता बार बार ध्यान दिलाना। तो सना आपको जाते माने नहीं जाते वाला अच्छा लगा, क्या अच्छा, क्यों अच्छा लगा? क्योंकि हम कोई भी जो है वो दबाव में कुछ भी करना नहीं चाहते, हम स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहते हैं। और मानने में स्वतंत्रता है कि स्वतंत्रता है, मानने में और जानने में स्वतंत्रता है, जांचने में स्वतंत्रता है। कोई आपको दबाव डाल के बोले कि ये मान लो ऐसे ही करो, है ना, सीधे खड़े हो, है ना, लेकिन आपको अगर जांचने के लिए कहे कि अगर सीधे खड़े होगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी रहेगी, आप स्वस्थ रहोगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आप उसको जांच कर देख ले तो कैसा रहेगा, वो स्वतंत्रता होगी या स्वतंत्रता? तो जांचे क्योंकि उसने मेरी स्वतंत्रता आपकी स्वतंत्रता है, इसलिए आपको अच्छा लगा, ठीक बहुत अच्छा। और बताइए और कौन क्या कहना चाहता है? ओके नेहा बोलना
सही समझ संभव सुविधा लक्ष्य विश्वास चाहना मानव में व्यवहार भेद सारे देश में ना सही समझ और संबंध सही समझ संबंध और सुविधा ये समझ है बहुत अच्छा और इसमें जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है समझ संबंध और सुविधा में सोच लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है बिना माइक के बोल सबको सुनाई देना चाहिए अपना नाम बोल दीजिए एक बार लक्ष्य माने नहीं जाते और सही समाज संबंध और सुविधा सुख दुख मानव परिवार समाज आप लोग इधर पीछे जो बच्चे बैठे हैं
आप लोग उधर ध्यान दे रहे हैं कि इधर ध्यान दे रहे ठीक है रविंद्र बताओ घर घर जाकर के क्या बात हुई और उसमें किससे बात हुई मेरी दीदी से अपने आप से बताओ मेरी दीदी से चर्चा कितनी देर चर्चा हुई आधे घंटे आधे घंटे चर्चा हुई और दीदी को क्या आपने बताया क्या क्या चर्चा हुई मैंने दीदी को बताया कि हमारे हम लोग ने स्कूल में सम्मान सुविधा सही समझ पढ़ा मारे नहीं जाते सर वो अच्छे से पढ़ाते हैं ठीक है मेरा नाम रेणुका जाटा है मुझे समझ आया कि सही संबंध और सुविधा अच्छे से समझ आया लक्ष्य विश्वास चाहना मानव चेतना मानव में व्यवहार भेद सुख के स्रोत माने नहीं जाते यहाँ एक प्रस्ताव है माने नहीं जाते अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर सहज स्वीकृति समय के साथ नहीं बहलता लोगों के साथ नहीं बहलता बहलता अच्छा ठीक है समझ गए इस स्थान के साथ नहीं बदलता सम्मान सही आकलन स्वयं के आधार पर आपको इसमें से सबसे अच्छा क्या लगा आपने तो एक बात बताई इसमें से थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं थोड़ा सा और सर मुझे इसमें से सबसे अच्छा सही समझ संबंध सुविधा अच्छी लगी जब आपने चर्चा करी घर में कि हम लोग इसको पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं इसमें क्या निष्कर्ष निकला नहीं करी आज कर क्या रहा ठीक है और कौन कहना चाहेंगे मेरा नाम कीर्ति धनगर है मुझे लक्ष्य अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर सही संबंध सुविधा सही समझ सुख दुख समृद्ध मानव परिवार समाज और प्राकृतिक अस्तित्व विश्वास ममता सम्मान स्नेह श्रद्धा गौरव क्षमता योग्यता माने नहीं जाते कल्पनाशीलता बहुत अच्छा इसमें से किन बिंदुओं पे आपने घर में चर्चा करी लक्ष्य के बारे में क्या चर्चा हुई और इसका क्या वो निकला लक्ष्य के बारे में आपको क्या समझ में आया हमारा लक्ष्य डॉक्टर बनना पुलिस हमारा या मेरा मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनना या पुलिस बनना नहीं है सुख और समृद्ध होना है और ये जो डॉक्टर बनना है या पुलिस बनना है ये क्या है रास्ते लक्ष्य और ये रास्ता ठीक भी तो हो सकता है ना तो रास्ता भी चुनना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ लक्ष्य को चुन लेंगे और रास्ते को नहीं चुनेंगे रास्ते को पकड़ के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे और एक रास्ता अगर बंद हो जाए तो और भी रास्ते है ना उससे डिप्रेशन नहीं कि हम उसके कोई बात नहीं नेक्स्ट दूसरा रास्ता चुनेंगे दूसरा रास्ता चुनेंगे बहुत अच्छा और बताइए मेरा नाम भारती रेखा है जी
चाहना सुखी समृद्ध मानी नहीं जाचे कार्यक्रम क्षमता चाहना करना दूसरे की चाहना पर शंका दूसरे की चाहना पर विश्वास जीने के फैलाव मानव परिवार समाज प्राकृतिक अस्तित्व सहज स्वीकृति ममता ममता समृद्धि के श्रेष्ठता विशेषज्ञता कल्पनाशीलता चारों की व्यवस्था को समझना और जीना। बहुत अच्छा, बहुत सारी अच्छी लिस्ट बनाई आपने। तो इसमें से एक एक दिन में क्या हुआ आपको याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं। आपकी जो कॉपी है उसमें आपने तो नोट्स लिखे हुए हैं एक एक दिन के कि नहीं लिखे हुए? लिखे हुए। तो अपनी लिस्ट को आप एक दिन में क्या हुआ था, पहले दिन क्या हुआ था, दूसरे दिन क्या हुआ था, उसको भी कर सकते, बाद में करना भी जरूरी नहीं है अभी। तो इसमें से ये जो श्रेष्ठता विशेषता वाला भाग है इसके बारे में क्या ध्यान आया आपको? या और भी जो भी कोई चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान गया वो बताइए। और सहज स्वीकृति बनी रहती है कि बदलती रहती है? बदलती है, बनी रहती है। बनी रहती है, आपको पक्का पता लग गया कि बनी रहती है? और उसका कोई उदाहरण दिया गया था? समय के साथ नहीं बदलती, सभी लोगों के लिए उसका उदाहरण। जैसे आपको सम्मान जो है वो आपकी स्वयं स्वीकृति है या वो स्वयं स्वीकृति नहीं है? सम्मान जो है वो भाव जो है वो आपको सहज स्वीकार होता है या नहीं होता है? और सम्मान का भाव दूसरे को भी सहज स्वीकार होता है कि नहीं होता है? तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो हो सकता है कि वो सहज स्वीकृति दूसरे की भी हो, है ना? तो सम्मान का भाव जो है वो एक ऐसा भाव है जो सभी को सहज स्वीकार होता है। बहुत अच्छा। घर में चर्चा की आपने? घर में चर्चा हुई कि नहीं? और उसमें किससे चर्चा हुई, उनको कैसा लगा, उन्होंने क्या बताया आपको, बताइए क्या चर्चा हुई? सही समाज सम्मान सुविधा, अभी हम लोग ज्यादातर सुविधा पे ध्यान दे रहे हैं, सही समाज और सम्मान को ज्यादातर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमको तीनों पे ध्यान देना जरूरी है। आपके मतलब किससे चर्चा हुई? मम्मी पापा दोनों से। बहुत अच्छा, दोनों ने ये कहा। फिर आपने पूछा कि कैसे कर सकते हैं दोस्तों? आज पूछ रहा हूँ, है ना, कि कैसे कर सकते हैं, फिर कुछ प्रोग्राम बनाए। मैंने भी पूछा था, मैंने बोल भी दिया अनुष्का, बोल ना वो फाइल से क्या और सही है। अब आप बताइए, उनको माइक दे दीजिए, बताइए जो घर में चर्चा है उसको बता दीजिए। सर फाइल में लिखा है, फाइल में तो लिखा है, चर्चा की तो दी नहीं, अभी जो बोल रहे थे उसको उसके अंदर बोल दीजिए, माइक में बोल दीजिए। मैंने घर में चर्चा की, हाँ मैंने चाची से चर्चा की, और सर मैंने पेड़ के बारे में भी चित्र बनाया है, उसके बारे में भी लिखा है, पेड़ के बारे में। यस सर। बहुत अच्छा, बताओ फाइल में। Yes,
फाइल अभी नहीं बिछाई है। चल चले नहीं मिल जाएगी रेड कलर की। चलो आप जाइए रेड कलर की वहां से नाखून मुझ पे हो गए और मैंने उसके बारे में भी लिखा था पेड़ के बारे में। यस सर बट पेड़ के बारे में तो अभी चर्चा हुई नहीं है। चर्चा नहीं हुई पर सर ने पूछा था कि पेड़ का। ओके ओके आगे चर्चा भी होगी। बहुत अच्छा तो आपने पेड़ के बारे में अच्छा आप लोगों को कितनों को लगता है कि हम लोगों को कुछ ड्राइंग करना चाहिए। माय फेवरेट ड्राइंग ठीक है। ओके हम लोग अगले सेशन में देखते हैं ड्राइंग करना है कि नहीं। यस सर मैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ओके साक्षी साक्षी बताइए बोल साक्षी बताओ बाद में बताइए मेरी तरफ से सर साहब समझ में आया कि हम भी दुखी है और दूसरे को भी दुखी करते हैं। yes, उसको करते हैं दो मिनट में तो ये जो प्रस्ताव रखा गया इसको आपने कैसे जाना कैसे देखा इसको इसका कोई उदाहरण बता सकते हैं क्या? तो ये याद हो गया या हमको समझ में आ गया? Okay, समझ आया तो फिर उदाहरण भी दे सकेंगे। अगर सिर्फ याद हो गया तो उदाहरण नहीं दे सकेंगे। ठीक है इसको और जांचे जैसे ये वाली जो अभी बात हुई है दे दो हमको दे दो भाई इसको क्लोज कर दे तो इसको और थोड़ा सा जान देंगे कोई बात नहीं ये भी ठीक है सबको जान देंगे। ओके आपको माइक दे दो
मानव परिवार समाज प्रकृति अस्तित्व चारों की व्यवस्था को समझना और जीना ये अगर आप प्रॉम्प्ट कर रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं या आपको हेल्प नहीं कर रहे नहीं कर रही अभी सोचना पड़ेगा ये अपमान हो रहा है सम्मान हो रहा है क्या क्या हो रहा है सोचना जीने का पहला बताइए हर्षिता मालविया जी बताइए सब लोग अगर चाल पर जाएंगे तभी भी बात हो सकेगी अब तो कुछ करना पड़ेगा ना नहीं तो फिर लोगों की क्लास मिस कर देती जा रही है क्या करेंगे भाई अलग अलग बिठाने से कोई फायदा नहीं है दादा हम लोग ऐसा कर सकते हैं है ना कि हम लोग आज क्लास के बाद में फिर बंद कर देते हैं कि नहीं क्या फायदा ऐसा कैसा रहेगा आप लोग पीछे क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं नहीं आपको थोड़ा सा डिटेल बताना है मेरे को लिखाना है ना कोई बात नहीं जितना भी लिखा है थोड़ा सा बता सकते हैं आप बोल रहे थे कि सम्मान जो है मंगल को समझ में आया या सम्मान में कुछ अच्छा लगा परिवार हाँ परिवार राइट तो परिवार में क्या क्या वो आया आपको क्या चीजें जान जाएंगे परिवार के बारे में क्या ध्यान रहा है परिवार में सुविधा भी इम्पोर्टेंट है और संबंध भी इम्पोर्टेंट है भाव भी इम्पोर्टेंट है तो सुविधा और भाव में परिवार में क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है सुविधा ज्यादा इम्पोर्टेंट ओके ये ध्यान रहा है ठीक है बहुत अच्छा ओके संध्या मान लिया नहीं आई वैशाली वैशाली भी नहीं आई मोहिनी भी नहीं आई फिर शिखा कुछ नहीं बोलते या हम लोग आप लोग बोलने भी देते अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं है उसके बारे में बात अभी करते हैं थोड़ी देर में सरिता सर बोली
पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़
जीव जंतुओं के जीवन में भी विशेष स्थान रखते हैं। पेड़ों से सभी जीवित प्राणियों में प्राणियों और पशु पक्षियों को ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ वातावरण को हरा भरा बनाते हैं। ये पेड़ वन लाने में सहायक होते हैं और सूखा और बाढ़ रोकने में भी मदद करते हैं। इन सब उपयोगों को जानते हुए भी हम दिन प्रतिदिन इन पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जिसके कारण वातावरण में लगातार बदलाव आता जा रहा है। नदियों सूखती जा रही है। हमें इन पेड़ों को कम होने से बचाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि हम अपना वातावरण हरा भरा रख सकें। ये आपने अपने से लिखा है या कहीं से? हमने अपने से भी लिखा है और पूछताछ से भी लिखा है, मम्मी पापा। बहुत अच्छा, चर्चा करके लिखा है। यस। और सर आपने पूछा था, एक जगह बैठ जाए सब लोग तो अच्छा रहेगा। सर सुविधा का सही क्रम क्या होगा? समझ क्यों है? क्योंकि अगर सभी को समझदारी अच्छी होगी तो संबंध वैसे ही अच्छे रहेंगे। अगर हम एक दूसरे को समझेंगे तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और सुविधा भी प्राप्त होंगे। सुविधा की पहचान कर पाएंगे और सुविधा का उत्पादन भी कर पाएंगे। हाँ। बहुत अच्छा, ठीक है। अब आप लोग 15 मिनट का ब्रेक करके फिर लौट जाओ। यस सर। इसी रूम में आएंगे।